Hello and welcome, guys. My name is Imran Ismail and you're watching Web Talkies with me. Today we have Sahil Khattar with us. मुझे तेरी नेचुरल रिएक्शन कैप्चर करनी थी, इसलिए मैंने चलना कहीं और जाके बताए. आई डू दिस फॉर अ लिविंग, कसम से मजाक नहीं कर रहा हूँ. चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सो बिग बॉस का बिग बज क्या है ये? सो बिग बज एक ऐसा शो है जो वूट पे आता है. जैसे बिग बॉस की एक आंख है ना, जो सारे घर के अंदर के कंटेस्टेंट्स पे है, बिग बॉस की एक आंख है जो हमारी तीसरी आंख है. और हमारी तीसरी आंख जितनी भी सोशल मीडिया पे बज है ना बिग बॉस के बारे में, उसके ऊपर है. तो जितने ट्वीट्स, मीम्स, जिफ्स, जितना भी बकचोदी होता है, जितना भी आसपास का बातचीत होता है बिग बॉस के ऊपर, वो सब हम लोग फिल्टर कर एक फनल में प्रेजेंट करना चाहते हैं दुनिया को और दिखाना चाहते हैं कि ये बज जेनरेट हो रहा है बिग बॉस के बारे में. एंड बिग बॉस द शो इज ऑल अबाउट दैट बज. इट्स ऑलराइट, आवाम का शो, आवाम का शो है ये. इट्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. जितना लोग ट्वीट करेंगे, जितना लोग बात करेंगे, जितना लोग और ज्यादा उसके बारे में पोस्ट करेंगे और बात में से बात निकालेंगे, उतना ही हम उसको आगे लेकर आएंगे. सो अब तक रिएक्शन कैसा रहा है बिग बॉस का? Like hashtags, Twitter, Facebook use कर रहे हैं, Instagram सब use. It's maddening यार. Funnily enough हमने एक ही एपिसोड किया है and the best part is कि लोग ट्वीट करी जा रहे हैं. एक तो ये स्पिल ओवर शो है बिग बॉस का. यू नो हाउ मोस्ट ऑफ द स्पिन ऑफ्स आर, जैसे बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी का है छोटा शेल्डन, वो वाला शो है. So it's the same. हाँ तो मैं छोटा नहीं बोल सकता. बोलना थैंक्स सर, ऐसे ना करता, मेरे को पता नहीं था ये बोल रहे. सो ये वो स्पिन ऑफ शो है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट अ स्पिन ऑफ शो इज इट्स ऑलवेज गोइंग टू गेट अ ग्रेट रिस्पॉन्स, नंबर वन. बट नंबर टू, द फैक्ट दैट देर इज अ ग्रेट टीम बिहाइंड इट, देर आर ग्रेट क्रिएटिव्स दैट वी क्यूरेट एंड प्रेजेंट इट, देर आर अमेजिंग एंकर्स हु आर डूइंग इट. एंड आई सेड विद अटमोस्ट मॉडेस्टी ऑल्सो, बिकॉज मैं अकेला नहीं हूँ, प्रिया भी है मेरे साथ. एंड शी बींग एन एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट, प्लस शी इज होस्टिंग दीज डेज सो मच, शी इज डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी, शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. बोथ ऑफ अस हैव driven down and एक ऐसे common point पे meet किए हैं जहाँ पर chemistry बहुत अच्छी है. We all want to work together and make a kick-ass show out of this creative, which is every week. And we try and do that. We've done that in the first. We've done that in the first episode. First episode लोगों ने 5-5 बार देखा है. Okay. मुझे लगता नहीं था कि being Indian के अलावा कुछ और भी लोग 5-5 बार देखेंगे. जहाँ मैं तुम्हें देख रही है यार. मेरी दुनिया ऐसा छोटा सा है ना. But now when I'm there, I feel great about it. And लोग tweet कर रहे हैं उसके बारे में, काफी लोग अच्छा feedback दे रहे हैं. वो 5% जो trollers रहते हैं for the sake of trolling, वो तो हर जगह ही रहेगा. अच्छा, वो तो है. But I think we've been getting a kick-ass response here. So who do you think is the favorite? मैंने पूरा एपिसोड देखा, परसों ही देखा मैंने. हो गया मेरा, और क्या चाहिए? भाई ने देख लिया, भाई 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 ने देखा, भाई 42 मिनट का एपिसोड है, पूरा देखा मैंने. 42 भाई को रन टाइम पता है, भाई ने देख लिया, बस मेरा हो गया. जस्ट डू व्हाट एवर, डोंट ट्रबल योर मदर मैन. तो अब इतनी बड़ी बात कर ली, इट्स कमिंग एंड मीटिंग एट अ पॉइंट. तो तेरी जर्नी, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दैट. लव गुरु and now Bigg Boss. 17 की एज से स्टार्ट किया था तुमने. मम्मी से झूठ बोल के यहाँ पे आए थे. सो बिग बॉस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तुम्हारे बारे में करेंगे. पहले ये कर लेते ना, फिर वो नहीं, नहीं, पहले आधी बात तुम्हारे बारे में. फ्लो हो जाएगा, अब ये फ्लो छूट जाएगा मुझसे. नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुन. ये बिग बॉस क्या करेंगे, जितने सारे कर ले. चलो चलो ठीक है, फिर बाद में करेंगे. पक्का करेंगे, जितना बोलो उतना करेंगे. एक बार ये चेन ऑफ थॉट ले चलते आगे. नहीं तुमने लेके आया ना उसको, मीटिंग एट अ पॉइंट, कमिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड ऑल, तो फिर बोला चल पूछ लेता हूं. यू नो ना, आई आल्सो डू दिस. चलो ठीक है. हाँ, फेवरेट कंटेस्टेंट. फेवरेट कंटेस्टेंट एंड व्हाई? हिना खान. हाँ, एंड आई विल टेल यू व्हाई. शी इज प्लेइंग द गौहर खान गेम. शी इज दैट स्मार्ट दैट शी नोज कौन सा कार्ड कहाँ रिवील करना है, कहाँ कैसे रिएक्ट करना है. वो टेलीविजन से हमेशा से कनेक्टेड है. शी नोज हाउ टेलीविजन वर्क्स, शी नोज हाउ रियलिटी शोज वर्क, बिकॉज वो अभी खटरों के खिलाड़ी में बाहर ले चुकी हैं. ऑल्सो द फैक्ट दैट वो अपना क्लास नहीं छोड़ रही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स.
और वो थोड़ा जहाँ पे ओपिनियन चेंज करना होता है वहाँ करती है, और कौन नहीं ओपिनियन चेंज करता, जहाँ पे स्टैंड लेना होता है वहाँ लेके खड़ी हो जाती है. जहाँ पर टास्क की बात आती है, आई थिंक शी इज वन ऑफ द टफेस्ट कंटेंडर्स इन ऑल द टास्क. वो भूसा पानी वाला टास्क वॉज द बेस्ट स्ट्रैटेजी आई हैड थॉट, और वो उस लड़की ने सोचा है. सो दैट प्रोबेबली क्वेश्चंस बाकी सब घर वालों की मेंटालिटी के, मतलब कोई ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है टास्क में परफॉर्म करने का. इकलौती हिना खान खड़ी हुई, वो कहती है इनको वहां मारो जहां सबसे ज्यादा हिट करता है. इंसान को सबसे ज्यादा क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? ऑक्सीजन. उसको सांस ही ना लेने दो ना, भूसा पानी भूसा पानी भूसा पानी भूसा पानी. सो आई लव दैट स्ट्रैटेजी एंड द फैक्ट दैट वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है टीवी पे, दैट एड्स ऑन टू दैट. वो सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटी है घर में, वो सेलेब एंगल आ गया. फिर उनका रिएक्ट करना और सारी चीजों को पकड़ के रखना, घर में जितने भी स्टोरीज फॉलो अप हो रही हैं उनको अच्छे से ट्रीट करना, थोड़ा सा ओपिनियन चेंज करना जहां पे भी वो हो, और और क्या बचा, और उनका टास्क हो गया, एंटरटेनमेंट क्वेश्चन हो गया घर में, सेलेब पावर हो गया. दैट इज व्हाई ये तीन चीजों की वजह से हिना खान जीतेगी. तुमने कभी सोचा था बिग बॉस में जाने के लिए? अरे अब इतनी दिमाग है तुम्हारे पास, तो खुद के नहीं अप्लाई किया शो के लिए? नहीं नहीं, क्योंकि मैं बिकॉज अभी डांस इंडिया डांस आया है, सो आई एम होस्टिंग दैट. फिर उसके साथ साथ बहुत दो तीन और अदर शोज आ रहे थे, सो आई वांट टू डू अ रियलिटी शो लाइक दिस बट नॉट सो सून. अभी इतना जल्दी कर लूंगा तो मुझे होगा कि मैं बाकी सब कब करूंगा. सो आई वॉन्ट टू मेक अ करियर आउट ऑफ द शोज वेर देर इज एन एक्शन एंड देर इज अ कट. आई डोंट वॉन्ट टू बी इन अ सिचुएशन वेर इन आई डोंट नो हाउ आई विल रिएक्ट. मैंने बहुत मेहनत करके, मतलब अभी तुमने स्टार्ट किया था ना वो 17 साल की उम्र, मैंने बहुत मेहनत करके अब जाकर एक इतना सा आयोटा ऑफ एन इमेज बनाया है कि हाँ I'm a tripper, मैं फन करता हूँ, फनी चीजें बोलता हूँ, फनी हरकतें करता हूँ, गाने गा लेता हूँ, नाच लेता हूँ, एंकरिंग कर लेता हूँ, ऑल दोस एक्टिंग कर लेता हूँ, बहुत मुश्किल से अभी तो बॉडी भी बना लेता हूँ. सो so, वो सब बहुत मुश्किल से अचीव किया है, बहुत स्ट्रगल करके अचीव किया है. तो वो मैं इतनी जल्दी बिहाइंड द सीन जो इसके पीछे चलता है वो मैं नहीं लाना चाहता, एंड दैट इज व्हाई आई गेस मैं अभी वेट करना चाहता हूँ बिग बॉस के लिए. पिछले एक दो साल से बातें चलती हैं हमेशा कि करना है करना है करना है. दिस ईयर आई वाज आल्सो थिंकिंग बट देन अदर थिंग्स हैपेंड. सो नॉट दैट आई वांट टू कीप बिग बॉस इन अ डिफरेंट एली फॉर श्योर, बट राइट नाउ इज नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू डू अ शो लाइक दैट. है ना, सब कह दिया, संभाल भी लिया. बाहर जब बात हो रही है कि तू क्यों नहीं बिग बॉस कर रहा, तो ये हमेशा से दिमाग में आता है. द मोस्ट सक्सेसफुल कंटेस्टेंट कमिंग आउट ऑफ बिग बॉस इज आई गेस वो आशुतोष था यार, रोडीज वाला, मेरे हिसाब से, बिकॉज उसके बाद से मैंने बहुत कम देखा. कौन है? चल सेकंड गेस. कुछ बोल रही है? कुछ भी नहीं बात हो रही है ना, पीछे से प्रॉम्प्ट नहीं करेगा. हाँ. नहीं बता यार, अब तू ही बता दे. तीन माजराटी किसके पास है? मैंने तो देखा नहीं. हम सनी लियोन. ओके, शी वाज अ विनर. शी वाज अ कंटेस्टेंट. कंटेस्टेंट थी ना, बट विनर थोड़ी ना. तू विनर कौन बोला? मैंने कंटेस्टेंट बोला. अच्छा, सब बोला मैं विनर पे. सो नो. सो सनी लियोनी इज द मोस्ट सक्सेसफुल कंटेस्टेंट कमिंग आउट ऑफ बिग बॉस. Obviously, she's done so much. Obviously, she was a porn star before. Now she wants to be a soap star, but mushkil hai. Filmon mein ho raha hai sara kuch. Kitna kuch ho raha hai. She's been doing a lot of live shows. And she's been all over the globe doing great work. And she's shifted her industries. And it's amazing. On the other hand, there are a lot of other people jinki life bani hai. Mere saath Priya Malik hai. Unki kitni achi life ban gayi hai. Unko mere saath co-host karne ka. Isse bada mauka kya ho sakta hai? बहुत सारे लोगों का करियर बना है, बहुत सारे लोगों को एक मौका मिला है लाइमलाइट में आने का. अब वो लाइमलाइट कैसी है, अच्छी है या बुरी है, वो खुद डिसाइड करते हैं. सो इट्स अ शो दैट मेक्स एंड ब्रेक्स करियर्स फॉर श्योर ब्रो. उसको शो में ऐसे ढिंचैक नहीं होता, उसका एक ही शब्द ढिंचैक.
मैं आ गया बिग बॉस में, मैं यहां पे ऐसे कैसे कर लूंगी। बलवान खान ने उसे इनवाइट किया और उसके साथ में गाना गाने की कोशिश की, क्योंकि वो भी बेचारे खुद कोशिश कर रही है। बट क्या ट्विस्ट है, मतलब इसे क्यों वाइल्ड कार्ड एंट्री में लेके आया है? सो व्हाट हैपेंस इज ऑल दीज शोज आर बेस्ड ऑन ग्रेट कास्टिंग। वो ग्रेट कास्टिंग में आप देखो ज्योति वो इतना अच्छा फ्लेवर लेकर आई है बिहार का, सब्यसाची बंगाली है वो वहां से आए हैं, टेलीविजन स्टार्स हैं यहाँ पे, कैश है ब्रो, कजलानी खानदान का चिराग है वो, मैं घूम गया वो सब हो रहा है। सो इट्स अ ग्रेट कास्ट। ऑन द अदर हैंड, हाउ कैन द क्वीन ऑफ क्रिंज पॉप बी लेफ्ट आउट? It has to be her. अरे बाप, लेकिन मतलब उसको आप 3 मिनट ज्यादा सुन नहीं सकते, आप पूरे टाइम शो पे कैसे देखोगे बंदी को यार? पर वो सारा टाइम गा ही रही है ना, भरोसा नहीं होता, वो बोलती भी नहीं। अच्छा, वो बोलती भी नहीं है, चार लोग आके बात करेंगे बैठी रहेगी, बात करो ऐसे। ओ मेरे को सबसे फनी पता क्या लगा, मेरी जैकेट देना। सबसे फनी लगा ऐसा, अब तू हिना है, मैं चादर में पैक हूँ, अब मैं पूजा हूँ, कुछ मेरे से काम क्यों नहीं कर रही? काम क्यों नहीं कर रही है तू? तुझसे बात कर रहा हूँ, काम क्यों नहीं कर रही है तू? सुनना, तुझसे बात कर रहा हूँ मैं। अरे मर गई क्या? अरे क्या क्या कर रहे, काम क्यों नहीं कर रही है तू? तो ये वाला जो एंगल है ना, टेंशन मुझे सबसे अमेजिंग लगता है। उसने literally she doesn't give two fucks about anybody everybody, she just has to be, उसको पता है वो, मतलब आगे ऐसे भी कह रहा ना on social media वो viral चला जाएगा, because it's so cringy. वो जो उसका personality का trait है मुझे बहुत funny लगता है, and the fact that she does nothing in the house again, I mean wo काफी questionable bhi hai, but on the other hand, but she made a song right with Akash, to milke usne saath mein bhi, lekin usne bahut gaane banaye hain, wo dikhate do teen hai, acha shukar karo do teen dikhate hain, ye sare big boss ke contestant ko matlab leke aa rahe, introduce kar rahe hain uske gaane, so that song was exactly in the same zone as dilo ka shooter, okay, selfie maine le li aaj, क्या आसिमा फरतवाड़ा जरा बेवफा है, एंड और कौन सा है बापू कैश वाला, दारू 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 जो ना नाचे उसको मारूं, पता चलता है दिल्ली से। सही है यार, ये हैशटैग बहुत ट्रेंड कर रहा है बिग बॉस मेन, कौन सा शिकास करके ना, शिकास ट्रेंड कर रहा है, अभी इस हफ्ते हमने बनाया ढिंग कैश, ढिंग कैश मुझे प्रॉपर राहुल अंजलि का झगड़ा लगता है, और एक छोटी अंजलि अभी जो कहेगी मुझे सिंगर डांसिंग का बड़ा शौक है। सो वो शुरू हुए थे एकदम नोक झोंक से, वो वाले जोन से शुरू हुए थे, पीछे बड़ी बढ़िया थी यार, हाथ पकड़ने वाली कैसी थी वो, मैं जेल से कैसा था ऐसा वाला पिक्चर, ऐसा वाला पिक्चर था। अच्छा, मेरे को तो वो याद आ गई, कौन सी फिल्म थी, रणवीर सिंह बानी कपूर, अरे अपना ये जिसमें वो पपियों में फिल्म की स्टोरी फिट करी थी, बेफिक्रे याद आ गई, मतलब वो उसमें जैसे वो गोंद लगाती थी ना दोनों के होठों पे, वैसे इनके हाथों पे गोंद लगाई थी, बोला होगा जबरदस्ती पकड़ के बैठो, सो वो वाला सीन याद आता है। बट आई ऑल्सो फील समवेयर ऑर द अदर द लव हेट रिलेशनशिप ऑलवेज स्टैंड्स, आपने बॉलीवुड में देखा है, रियल लाइफ में देखा है, जितना आप हेट करोगे उतना कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एक प्यार भी छुपा होता है, सो दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज स्टिल देयर, एंड आई एम ओनली होपिंग कि विकास को भी समझ में आ जाए कि एक्चुअली उसको किस तरफ जाना है, एंड ही फाइनली चूजेस के सही क्या है, प्रियांक या शिल्पा। अच्छा सही है यार। अच्छा एक बात बताओ, तुमने शेयर कर दिया अपने फेसबुक वॉल पर क्या? क्या ये वाला? हाँ ये अभी करूंगा, कर लो यार एक बार, ताकि क्वेश्चंस आए तो एक दो ले लेता। पर आपके वाले से नहीं ले सकते? ले सकते, बट आप भी आपके वॉल पे शेयर कर दो, मैं अभी कर देता हूँ, दो अगर आए तो अच्छे, वरना फिर देखो सब वही करने बोलेंगे, हाय हाय बोल, नाम बोल। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग ब्रेक। ये तो दोनों ट्विटर पे हैं जो आपने डाला है, फेसबुक। दारू 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 जो ना नाचे उसको मारो। लेकिन बहुत बातें हो रही है उसके बारे में यार सोशल मीडिया पे, ढिंचाक आई है जब से। मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं, मैं फर्स्ट पोस्ट पे जाके करता हूँ।
ऊपर ही होगा. अरे वी आर लाइव, शेयर कर दो. वेरी गुड, शेयर नाउ. हां शेयर राइट पोस्ट में जाके अभी पेज से करना है ना. दैट्स व्हाई. ठीक, दोनों तरफ लाइव आ गए. So guys, साहिल ने भी शेयर कर दिया. कोई अच्छे क्वेश्चंस है तो पूछो प्लीज. अभी के अभी हम पूछ लेंगे. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. शिकास के बारे में बातें हो गई. शिकास एक घर में सबसे अनोइंग कौन लगता है आपको, जो उंगली कर देता सबके? यार मुझे अनोइंग ऐसा नहीं है कि कौन उंगली करता है कौन नहीं करता है. सभी उंगली करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उंगली कौन करता है? सबसे ज्यादा मुझे अनोइंग लगती है घर की रंजीत, अर्शिखा, अर्शी खान, आवाम आवाम जानते हैं, वो घर की रंजीत है. मतलब उसको कोई अच्छा लड़का दिखे सबसे पहले तो शुरू हो. अभी किस पे लाइन मारी? अभी प्रियांक आ गया ना. सो अभी उसने बोला पब्लिकली. सो मुझे सबसे ज्यादा अनोइंग अर्शी इसलिए लगती है बिकॉज देर इज वो ऐसा सा होता है कि व्हेन यू आर अबाउट टू कैसे एग्जाम्पल मैं लेके बताऊं, देयर इज नो एग्जाम्पल टू इट, बट इट्स मोर लाइक कि आप उसके साथ लड़ोगे ना तो खुद ही के ऊपर कीचड़ गिरेगा. अच्छा, इट्स दैट. हमने फर्स्ट वाले में देख लिया था उनकी फाइट की. हां एक्चुअली कीचड़ एक्चुअली गिरा था. तो वो मुझे ठीक नहीं लगता है कि बिकॉज़ शी इज वेरी ब्रैश, शी इज वेरी क्रास इन अ वे वेयर इन शी गेट्स पर्सनल वेरी सून. शी सेज थिंग्स व्हिच ऑफेंड्स पीपल अ लॉट. आप गलती से एक दो चीजें बोल दो ना, वो ठीक है, जायज है, कभी कभी इंसान नहीं सोच रहा होता, पर मतलब ऐसे किलो के भाव ऑफेंसिव कमेंट्स का AK-47 लेके खड़े होने वाली बात नहीं है. सो दैट इज व्हाट प्रोबेबली आई डोंट लाइक अबाउट हर. एंड समटाइम्स आई फील वो एक आंख जो बंद है ना, वो जाके मतलब ऐसा ना देखे और दरवाजे दरवाजे में बच जाए मतलब, और फिर थोड़ा देर नहीं बोलेगी तो अच्छा रहेगा. बट सच्ची में सब ये स्ट्रेटजी यूज करे, पर्सनल अटैक बहुत हो रहा है. और अर्शी खान का ज्यादा प्रॉब्लम भी है कि मतलब गुलजार साहब की राइटिंग में इतने नुक्ते नहीं लगते जितनी उसकी बातों में लगते हैं. मैं तो इतना सारा नुक्ता गला नहीं दुखता. ये इतने नुक्ते कहां से लाती है अर्शी? वही नहीं, बहुत लोग पर्सनल अटैक कर रहे हैं शो में. लाइक सलमान भी भड़क गए राइट, उसको पसंद नहीं आता कोई पर्सनली अटैक करे. और कहां से क्या बात निकल के आएगी कोई आइडिया नहीं है. मतलब वी ऑल हैड अ लाइफ व्हिच इज फिल्ड विद अप्स एंड डाउन्स, तो कोई आइडिया नहीं है किसका पुणे गोवा निकला है, किसके हरियाणा के कांड निकला है. मैं खुद पंचकुला से हूं तो मेरा भी पता नहीं क्या निकला है. सो बहुत डर लगता है इन चीजों से. अब बात उधर पे आ गई है तो हम तेरे बारे में बात कर लेते हैं. अब कर सकते हैं, बहुत बातें हो गई, बहुत बातें हो गई. हां बहुत खुश होना. सो चंडीगढ़ 17 लव गुरु, वहां से यहां तक का सफर क्या चेंज हुआ है, क्या अप्स एंड डाउन्स हुए तुम्हारे? यार बहुत मुश्किल था, छोटे में बताना तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा. मुझे तो लगा वो फारूक शेख का शो आता होता था ना वैसा चाहिए ये सब बताने के लिए. बट अगर संक्षेप में बताऊं तो it's been one of the most hardest journeys I've ever been on. मैं छोटे होते एक और जर्नी ऐसा करने का कोशिश किया था where I wanted to make my career in sports. There is a sport called roller hockey. Okay. I don't know if you know about it or anybody knows about it. It's hockey on skates. तो मैं कुछ 10 साल का था, 11 साल का था, मैंने roller hockey खेलना शुरू किया. और आगे आने वाले मेरी लाइफ में 20 साल तक खेला. एक टाइम था जब मैं रेडियो भी कर रहा था और इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहा था एट द सेम टाइम. फन फैक्ट, सो आई एम अ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन 2005 एशियन गेम्स साउथ कोरिया फॉर द इंडियन टीम. सो वो जर्नी थी, वो इतनी टफ नहीं थी बिकॉज एक तो बच्चे थे, नहीं समझ में आता था. बस ये पता था सुबह प्रैक्टिस करनी है 7 से 8, 8:30 बजे स्कूल में ही चेंज करना है, 2 बजे स्कूल खत्म होगा, 1 घंटे का ब्रेक लेना है, खाना पीना चेंज, 3 बजे फिर स्केटिंग रिंक में, और 9 बजे तक हॉकी और स्पीड करनी है. मतलब ये दिन होता था. पर बच्चे थे ना, नहीं पता चलता था, इतना एनर्जी था कि कहां निकल गया कोई आइडिया नहीं है. ये जो जर्नी है जो बॉम्बे की, वो 7 साल पहले शुरू हुई. एंड ऑब्वियसली जैसे सबका होता है जब यहाँ पे आए, आई रियली हैड नथिंग, नोबडी हैड एनीथिंग. अ लॉट ऑफ पीपल लिव्ड इन चॉल्स एंड स्टार्टेड अप विद वेरी स्मॉल सेटअप्स. मेरा भी वही था, मतलब एक प्रिंटआउट भी सूंघ के लेता होता था सब, जब सीवी देना होता था कि कहाँ देना है, कैसे देना है, पक्का है ना वहाँ नौकरी मिल सकती है, तब जाके वहाँ प्रिंटआउट ड्रॉप करो, नहीं तो ये 5 रुपए बचा लेते हैं. वो वाला सीन था. सो फ्रॉम देयर टेलीविजन हैपेंड. टेलीविजन के बाद एक टाइम ऐसा आया कि बिल्कुल फिर से काम नहीं है, मतलब 3-4 साल पहले
फिर फाइनली बीइंग इंडियन हैपेंड एंड बीइंग इंडियन के बाद टचवुड है थोड़ा सा जर्नी हैज गॉटन बेटर एंड आई ओनली होप इट गेट्स बेटर एंड नाउ द बेस्ट थिंग इज दैट टेलीविजन इज ऑल्सो वार्मिंग अप टू अ टैलेंट लाइक मी. पहले एक स्टिग्मा होता था कि अरे गंजे लोग हमेशा नेगेटिव रोल ही करते हैं या इफ यू आर बॉल्ड तो कैसे ये पुल ऑफ होगा. बट नाउ थैंक गॉड इन इंडिया ऑल्सो पीपल हैव स्टार्टेड वार्मिंग अप टू इंटरनेशनल टैलेंट्स लाइक जेसन स्टैथम, विन डीजल, फॉर सबका बाप, ड्वेन द रॉक जॉनसन, वो भी टकला है यार. इमेजिन नाउ here we are living in a world wherein Rock comes out of nowhere being a wrestler again. ज़्यादा पैसे नहीं वो सब चलो वो तो सबका है. But at probably 40-42 he starts doing Hollywood films and now he's the highest paid actor in the world, one of the richest and ones. Most motivational also that guy. बात क्या था motivation. Can you beat this fact? उसका अपना digital production है, उसका अपना television production है, उसका अपना filmic production है. He is the fastest to reach a place wherein he's producing as well as acting. जबकि मतलब ये लोग सबसे लेट ईपी बनते हैं जितने भी एक्टर्स होते हैं. टॉम क्रूज ने भी इतनी सारी फिल्में नहीं प्रोड्यूस करी हैं जितना रॉक कर चुका है. सो दैट इज व्हाई आई एम वेरी हैप्पी कि एवरीबॉडी इज वार्मिंग अप टू बॉल्ड गाइस. थैंक गॉड फॉर टेलीविजन चैनल्स जो मेरे साथ एसोसिएट कर रहे हैं. मैं एमटीवी पे ही एक और शो कर रहा हूँ. एमटीवी बीट्स पे एक गानों का रफू सेंटर आता है एंड दैट इज अ ग्रेट शो. उसका अब एक बड़ा फॉर्मेट बनने वाला है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट वेयर वी विल गेट अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स एंड वी विल टॉक टू देम. तो वो बड़ा होता अच्छा ट्रिप होने वाला है. देन देयर इज डांस इंडिया डांस दैट इज हैपनिंग. सो आई एम वेरी हैप्पी कि अब टेलीविजन इज वार्मिंग अप टू इट एंड आई एम ओनली होपिंग कि फिल्में भी उतनी ही जल्दी वार्म अप करें. A lot of scripts come to me, आती रहती हैं, ये रोल करना है वो रोल करना है, पर अगर मैं हीरो का दोस्त बनूंगा तो दोस्त ही बना रह जाऊंगा. Also not because कि ऐसा stigma है, वो भी change हो रहा है बॉलीवुड में, but also because I have that face. I have a very character face. मेरा value add सिर्फ यही होता है कि recognizable है, कभी कोई भूल नहीं पाएगा, वो वाला scene रहता है, oh he's also funny. So I don't want to ever go into that zone. So I'm waiting for films to warm up to me, like how I waited for television to warm up to me. And I'm happy that television इतना गर्म हो गया कि मैं एकदम hot हो गया, आवाम की तरह. And I hope कि फिल्में भी उतनी ही warm up करें. ये काफी छोटा नहीं था ना. I just realized ये बिल्कुल छोटा नहीं था. But तेरी flow को बिगाड़ना नहीं था. इतनी अच्छी flow में बोल रहे थे ना कि मुझे मजा आई थी सुनने के लिए. सही है. ये actually question मेरे एक friend हो जिससे नहीं, उसने पूछने बोला था आपको. अरे तो हमारी social team में उसको last time photo किसने दी तुम्हारे साथ, but तुम निकल गए. अरे तो अभी कहाँ है? अभी वो निकल गई तुम्हारी गलती से. ओजस्वी ओजस्वी. So टी निकाल दो. टी निकाल दो. हम शो के एंड पे आ गए. काफी सारी बातें कर दी बिग बॉस के बारे में. अब सेकंड एपिसोड में क्या होने वाला है कुछ बताओगे उन्हें? सेकंड एपिसोड में सबसे पहले तो जो सबसे पहले इविक्ट हुआ है इस हफ्ते उसको लेकर आएंगे. उसका नाम है अबाउट प्रियांक शर्मा का re-entry. We are talking about Dhinchak Pooja. We're talking about Akash. We're talking about Pungi, which is Punish and Bandagi. Hashtag Pungi. ये हैशटैग बड़े बढ़िया लेके आते शो में. कितने 50-60 हैशटैग फेंक ही दिए रहे तुमने शो में. क्या चक्कर है ना, आप अच्छे लोगों को लेकर आओगे ना कंटेंट बहुत अच्छा होगा. हर दो लाइन के बाद एक हैशटैग आता ही. हाँ, आई एम थैंकफुल टू वूट जो कि मुझे लेकर आया है. प्रिया तो ठीक. सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये टीम इकट्ठी हुई है एंड द शो इज ओनली गोइंग टू किक एस. और पहले एपिसोड का इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, इट वॉज 42 मिनट्स एंड हमें ट्विटर पे आ रहा था कि अरे हमने इतनी बारी देख लिया आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, वैसे हैं. एक तो ट्वीट आया यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, मैंने थैंक यू कर दिया. वो प्रिया के लिए ऑब्वियसली. सो बहुत सारी ऐसे ट्वीट्स हमें भी आए हैं. सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू टेक द ट्वीट्स जो हमें भी एड्रेस हो रहे हैं. ओके. सो ऑल दीस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन एंड यू जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बिग बॉस. बिग बॉस. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो साहिल. इस साहिल खट्टर फॉलो सब पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सब जगह पर है. और बिग बॉस पे हैशटैग बिग बॉस यूज करना. यस. यूज करो, ट्वीट करो. इन्फॉर्मेशन है जो मैं देना चाहता था. अगर आप बिग बॉस का हिस्सा बनना चाहते हैं बिकॉज द शो इज ऑल अबाउट यू और आप बिग बॉस के फैन हैं तो ट्वीट कीजिए, पोस्ट कीजिए, कुछ भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर. हमारी आंखें
चारों तरफ गड़ी हो, हमारी आंखों ने तुम्हारे सोशल मीडिया को चारों ओर से घेर लिया है. Keep on tweeting if you want to be a part of Big Buzz. The hashtag जो आपको tweet करना है उसके साथ use करना है hashtag BB11 on Voot and hashtag Big Buzz. Is Sahil Khattar, Priya sometimes या Voot, आप किसी को भी. And Imran Ismail also, मुझे भी follow कर लिया. Imran Ismail को जरूर follow करो. ये लड़का vox pop करता है streets पर जाके and I'm very happy कि कोई तो करता है अच्छे से. Thank you so much. और fans को भी आप invite कर दो show पे, right? उन्हें webcam के थ्रू. Yes. So there's a chance if you want to come. If you want to come and be a part of the show, आप वही अपने social media पे active रहिए, हम आपको pick कर लेंगे, कुछ अतरंगी कीजिए ताकि हम सतरंगी तरीके से आपको आगे लेकर आएं and make you a part of the show. शाहरुख खान पोस्ट योर वीडियो, I'll watch it. अगर मुझे अच्छा लगा देन I'll make you the part of super fan. मेरा भी एक शो आ रहा है डांस इंडिया, एक और शो आ रहा है MTV Beats पर, और मैं बहुत सारे इवेंट्स भी करता रहता हूँ. मेरा अगला एक वीडियो आ रहा है, किसके साथ आ रहा है हमारा अगला वीडियो? बस हो गया ना. एक पानी बनाने वाली कंपनी है, और फिर उसके बाद मेरी शादी होगी तो मेरे बच्चे भी होंगे, और उसके बाद मैं बूढ़ा भी हो जाऊं, और कुछ नहीं, बस हो गया. बहुत ज्यादा थकित हो गए भाई, किसी चीज की प्रमोशन करनी है. मुझे एक डालना था, मैंने डाल दिया. Thank you so much for coming on the show. You're welcome. See you, man. Always see you again. Fun come back again. Keeping with you and talking to you. Thank you so much. Thank you so much for watching, guys. I'll make sure he comes again. बहुत जल्दी लेके आऊंगा इसे. चलना है अब दूसरी वो नहीं बोला. Bye guys. Oh, bye. Never going to make sure.